किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज हम आए हुए थे सीतापुर में श्री श्याम ट्रैक्टर्स पे, जो कि पावर ट्रक ट्रैक्टर का भाइयों शोरूम है। तो भाई साहब यहां पे ट्रैक्टर की सर्विस करवाने आए हैं, जिनके पास ट्रैक्टर है पावर ट्रक 439 सेंटर गियर वाला है भाइयों। तो भाई साहब से अभी आप लोगों को परिचय करवाते हैं और उनसे ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे और सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी क्या आती है और ट्रैक्टर में टूट फूट वगैरह कैसी क्या है पूरी जानकारी भाई साहब से भी लेंगे। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले जो हमारे किसान भाई दर्शक आपको देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना परिचय करवाइए, नाम वगैरह। मेरा नाम सुशील यादव, खगड़िया में रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, जिला सीतापुर। सीतापुर। अच्छा, तो ये पावर ट्रक जो ट्रैक्टर है कब से चला रहे हैं? ये हमें चलाते हुए 7 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, और इससे पहले भी एक है, अभी हमारे पास दो हैं, एक 34 है एक 39 है। पावर ट्रक ही चला रहे थे पावर ट्रक, फिर पावर ट्रक पे ही से पहले महिंद्रा थी, उसके बाद से पावर ट्रक में आए, तब से इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदे मिले। अच्छा, महिंद्रा का कौन सा चलाया था? महिंद्रा का हमारे पास था 265। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे पावर ट्रक अब चला रहे थे तो पावर ट्रक के बारे में बताइए। जैसे ये 7 साल लगभग चलाते आपको हो गए हैं, तो कितने घंटे लगभग चल गया होगा ट्रैक्टर अपना? ये हमारा चल गया है लमसम 3000। 3000 घंटे। जैसे अभी तक कोई ट्रैक्टर में जैसे कोई काम हुआ, कोई बड़ा काम जैसे अभी कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं हुआ, लिफ्ट वगैरह में कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ। सिर्फ सर्विस, बाकी छोटी मोटी चीज़ कहीं बोल्ट वगैरह वो अलग चीज़ हो गई है, बाकी चलाते अपने आप हैं ड्राइवर वगैरह चलाते हैं। हाँ, तभी तो मतलब अपने आप चलाने का फर्क रहता है ट्रैक्टर का, बाकी ड्राइवर वगैरह थोड़ा ध्यान से नहीं, ड्राइवर नहीं लगाते हैं, अपने आप चलाते हैं। जैसे पुराने इस कार्ड के ट्रैक्टर आते हैं उनमें थोड़ा बहुत लिफ्ट की थोड़ा दिक्कत आवाज़ करती थी? नहीं, इसमें नहीं, इससे पहले जो आते थे पहले आते उसमें दिक्कत है, जो हमारी 34 थी उसमें लिफ्ट की थी, उसके बाद उसका ब्रेक की थी। तो ये पीछे का एक्सल चेंज हुआ करता था वो वाला बता, तो वो लेदर गाड़ी थी, ये ऑयल गाड़ी है, ऑयल ब्रेक। हाँ, तो अब पहले वाले में ये समस्या थी, उसकी कंप्लेंट कंपनी गई, उसने चेंज किया, चेंज बदलाव तो कर रहे हैं बिल्कुल लगातार। अब उससे जब से बदलाव हुआ तब से बहुत से सुधार हो गई है गाड़ी में। अच्छा अच्छा, और बाकी हमने तो बराबर से चला रहे हैं। अच्छा, लमसम 8 साल हमें उस इससे पहले जो है 34 है वो चलाई। अच्छा, अच्छा। उसके बाद 7 साल इसको हो गए चलाते हुए। अच्छा, रूटावेटर भी लगा है, रूटावेटर भी चलाते हैं? रूटावेटर सबसे ज़्यादा रूटावेटर चलता है। अच्छा, 185 सेंटीमीटर का? 185 है। तो रूटावेटर भी आपका हैवी है लांसर का। तो जैसे इधर आ जाइए, एक बात ये बताइए कि जैसे रूटावेटर वगैरह चलाते हो तो ऐसा तो नहीं मतलब रूटावेटर पे ट्रैक्टर लोड ऑन मान के चलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और बाकी तो जैसे जैसी गाड़ी है उस हिसाब से चलाना चाहिए, और जैसे कोई चीज़ है जितनी उसकी क्षमता है उस हिसाब से चलाओ। हाँ, तो कोई रूटावेटर 150 सेंटीमीटर का लगा है। अगर अभी इसमें हमें पता लगा चलना हमें है दूसरे किलो में जुताई करना, उसका हम टॉप लगाएं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो पहले गियर में चला रहे लो में रूटावेटर? मैं दूसरे का लो लगा के आराम से चलते हैं। बढ़िया चलता है, बहुत बढ़िया। तो खेत कितना निकालता? खेत अच्छा निकालता होगा? खेत अच्छा निकालता, बाकी हम लोगों के यहाँ बीघे के हिसाब से चलता है, घंटे के हिसाब से नहीं चलता। अच्छा अच्छा, बीघा के हिसाब कितना बीघा निकालते हैं घंटे में लगभग अपना? एक आराम से अगर निकाला शुद्ध अगर खेती की जाए तो मान के चलो एक बीघे में 7-8 बीघा एक घंटे में निकाल सकते हैं, 7 बीघा तक। हाँ, तो दूसरे लो में तो स्पीड ज़्यादा बन जाती है ट्रैक्टर की है, मतलब काम बढ़िया कर रहा है आपके हिसाब से। जैसे ट्राली वगैरह पे तो बढ़िया लगाया जाए तो और ज्यादा निकाल सकता है। अच्छा, लेकिन तीसरा लो जुताई जो मोटी हो जाती है, जुताई भी नहीं अच्छी हो सकती है, गाड़ी पर भी लोड पड़ता है। अच्छा अच्छा, अगर दूसरा लो लगा के जुताई किया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है, एवरेज अच्छा मिलता है। अच्छा, एक बात ये बताइए, ट्राली वगैरह के काम के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं? कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम करता है। माइलेज क्या रहता है ट्राली वगैरह पे? ट्राली का माइलेज ऐसे समझो 1.5 लीटर का है। अच्छा, घंटे में बस, मतलब 1 लीटर में जाता होगा 8-8 किलोमीटर? हाँ बिल्कुल, 8-10 किलोमीटर, 8-9। तो ये चीज़ है, तो मतलब जैसे कोई आप जैसे इससे पहले महिंद्रा भी चला चुके हैं, 265 भी चला चुके हैं और 434 भी चला चुके हैं, तो 3400-265 लगभग बराबर हर पावर में है? हाँ, लमसम बराबर ही है। तो उनमें कैसा क्या फ़र्क है? 3034 चार हर्स पावर का अंतर है, बाकी गाड़ी महिंद्रा से ज़्यादा 34 जो है उससे ज़्यादा हर चीज़ में है। अच्छा अच्छा, और डीजल वगैरह मतलब कोई खास अंतर नहीं है? कुछ अंतर नहीं है, बाकी बराबरी है, लेकिन योरज और ये क्या नाम इसका लोडिंग उसका ज़्यादा है, महिंद्रा से ज़्यादा बढ़िया है पावर ट्रैक का, क्योंकि वो महिंद्रा जो है उठ जाती है, ट्राली उठती भी नहीं है और ये बहुत ज़बरदस्त जोर लगा के खींचती है। बाकी ये चीज़ बताइए, सर्विस में कॉस्ट वगैरह कितना खर्चा जाता है? इसमें लगा के 3500 से 3800 रुपये तक, 4000 तक पहुँच जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ मतलब मोबिल और फिल्टर वगैरह सब कुछ सारे अगर डलवाना है? अच्छा अच्छा, मैं तो समझ लो 38-4000 ऐसे।
हाँ तो कोई खास ज़्यादा मतलब महंगी सर्विस नहीं है, जैसे मतलब एक मध्यम वर्गीय मीडियम किसान जैसे हो जिसको ट्राली का काम करना हो, रोटावेटर या अपनी ही खेती करना, ज़्यादा भी किराया ना करना हो, 439 से बेटर कोई गाड़ी नहीं। 439 मतलब ठीक है, हर जगह पे चल जाती है, मध्यम और मीडियम किसान हो, छोटे हो, ये ऐसी गाड़ी है जो छोटा बड़ा सब काम कर सकती है। ठीक ठीक, तो भाई साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आपने ट्रैक्टर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। तो भाई वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी, नमस्कार जी।